हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैदे से बहुत ही प्यारी सी रेसिपी बनाने वाले हैं और आप इसे मैदे से ही बनाइए, फिर मर्जी हो तो गेहूं के आटे से भी बनाई जा सकती है ये रेसिपी। और बहुत टेस्टी होती है खाने में। जब बच्चे घर पे जिद करें कि हमें मीठा खाना है, मीठा खाना है, और आपका भी हल्का सा मीठा खाने का मन हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर ले रखा है 2 कटोरी मैदा, और मैदा ये 250 ग्राम होगा, तो फिर 250 ग्राम मेजरमेंट के हिसाब से होगा। और हमें क्या चाहिए वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ले रखा है मैंने कटोरी में दूध और चीनी थोड़ी सी मीठे के लिए, और यहाँ पे लिया है मैंने देसी घी। देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ही चाहिए। तो मैदे को हम रखते हैं साइड में और ले लेते हैं 1 कटोरी और 1 स्पून। इसमें हम डाल देते हैं दूध। दूध हल्का सा, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, और दूध से ही हम डो लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आटे से भी, पानी से भी लगा सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं चीनी, और चीनी को हम ऐसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। दूध में चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर दिया है, और बस इतना ही हमें चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा दूध हम और ले लेंगे। और ले लेते हैं मैदा, और मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा। सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें देसी घी, और देसी घी देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, बस इतना ही डालेंगे हम, और इतना देसी घी हम बचा लेते हैं। देसी घी डालने के बाद हम डालेंगे नमक, और नमक हमें कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा कर देंगे तो ये नमकीन ज़्यादा हो जाएगा और मीठा कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है नमक। नमक को हम ऐसे उठाएँगे पिंच से, देखिए ऐसे उठा के बस इतना ही हमें डालना है। जब आप कुछ मीठा बनाइएगा तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसे। मैंने इसमें देसी घी इसलिए डाला है, थोड़ा सा खस्ता बने ये, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसे, बहुत खाने में टेस्टी होता है। देसी घी को हमने अच्छे से और नमक को मिक्स कर लिया है मैदे में, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। एक बैग दूध नहीं डालना है हमें, बस थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, और इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। डो को देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है, और डो की कंसिस्टेंसी देखिए कैसी है, पास से देख लीजिए आप। ऐसे आपको डो तैयार करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो दूध कितना लगा है और कितना बच गया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी दूध इतना ज़्यादा बच गया है, तो इसे मैं किसी और चीज़ में यूज कर लूँगी। आप एक बैग दूध बिल्कुल भी ना डालें, वरना ये ख़राब हो सकता है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसे कर देते हैं कवर, ताकि अच्छे से ये सेट हो सके। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम डो को चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए कितना प्यारा सा डो सेट हो गया है। अब डो में हम 2 लोई बनाएंगे, 2 भाग में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं इस तरीके से। सिर्फ 2 ही पीसेस में हमें कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है। ये देखिए 2 पीसेस में कट हो गया। तो अब हम 1 लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं, और सेम इसी तरीके से दूसरी लोई भी। 2 लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है, तो 1 लोई को हम रखते हैं साइड में, और हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसे हम बेल लेते हैं। मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है, और इसकी थिकनेस आप देख लीजिए कैसी है। देखिए थिकनेस इतनी मैंने रखी है, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें सूखा मैदा छिड़क के बेल लीजिएगा। मैंने इसे बिना सूखे मैदे के ही बेला है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसमें हम कट लगा देते हैं, और कट थोड़े से अपने हिसाब से ही लगाइएगा, छोटे या बड़े जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से लगा लीजिएगा कट। इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है, और देखिए कितनी प्यारी सी मोटी मोटी लेयर बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इसकी लेयर बहुत प्यारी लग रही है। तो अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं साइड से। साइड से ही तिक्खा ही कट आपको लगाना है इस तरीके से। त्रिपट अगर कट आप लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे ही कट लगा देते हैं, जैसे कि नॉर्मल वाली आप नमक पारे बनाते हैं ना मछली, बस वैसे ही आपको कट लगा लेना है इसमें। मैंने इसमें कट लगा दिया है, और अब हम इसे उठा लेते हैं इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे से उठ रहा है। तो इसे हम प्लेट में इस तरीके से उठाकर रख लेते हैं। अभी एक एक खुद ही हो जा रहा है। सारे कटे हुए पीसेस को देखिए मैंने प्लेट में उठाकर रख लिया है, और दूसरी वाली लोई को मैंने बेल कर तैयार कर लिया। तो आप ले लीजिए कुकी कटर, और आप कुकी कटर से ऐसे छोटे छोटे गोले गोले पूड़ी के आकार में, जैसे कि गोल गप्पे बनाते हैं ना पानी पूड़ी, सेम उसी तरीके से इसे आप कट कर लीजिए। या फिर आप कोई छोटी मुँह वाली ग्लास ले लीजिए जो कि नुकीली हो, और उससे आप कट कर सकते हैं। अगर कुकी कटर नहीं है तो मैंने इसे ऐसे नहीं कट किया है,
आपकी जैसी मर्जी होगी उस तरीके से बना लीजिएगा। तो इसे भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं। सारे कटे हुए पीसेस को मैंने एक प्लेट में रख लिया है और रिफाइंड ऑयल को करने के लिए हम रख देते हैं गरम। रिफाइंड ऑयल हमारा गरम हो गया है या नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें डो और देखिए डो हमारा ऊपर आ रहा है तैर के। तो बस तेल हमारा गरम है, अब हम डाल देते हैं इसमें एक एक अपने कटे हुए पीसेस। एक बार में हमने इतना डाल दिया है और देखिए आँच कैसी रखी है। तो हम मीडियम फ्लेम में इसे पका लेते हैं। थोड़ा सा जो चिपक गए हैं उन्हें हम ऐसे खोल देते हैं, अच्छे से तेल में जाते ही अपने आप खुल जाएंगे। बस थोड़ा सा आप हिला दीजिएगा और इसे हम पका लेते हैं अच्छे से। और इसके लिए आँच मीडियम ही चाहिए, लो रखेंगे तो ज़्यादा हार्ड बनेंगे और एकदम हाई रखेंगे तो जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो इसलिए हम इसे पका लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से खस्ता हमने इन्हें पका लिया है और कलर बहुत प्यारा आ गया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरीके से और ऐसे ही अपने सारे हम बनाकर कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल से हमने इसे बाहर निकाल लिया है और अब हम ले लेते हैं प्लेट और प्लेट में सारे ये हम रख लेते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं अपने बचे हुए सारे पारे हमने बना लिए हैं। देखिए पारे कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने अच्छे से हमने इन्हें पका रखा है। बिल्कुल ऐसे आप भी पकाइएगा। और इसे हम दूध से सानते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। पानी से अगर सानेंगे तो थोड़े से कम टेस्टी होंगे और आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी होता ही है। छोटी मोटी भूख लगने पर आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाइए और खाइए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे पके हैं, टूट भी कितने आसानी से रहे हैं और खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और टाइम पास के लिए भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। नॉर्मल सा मीठा खाने का मन हो तब भी आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।